मैं रूबरू आपकी मुलाकात करवा देती हूँ, मिलिए प्रसिद्ध संगीतकार श्री आर डी बर्मन से। कहाँ चले गए दादा? अरे दादा इधर आइए ना आप, वहाँ क्या कर रहे हैं? अरे यार थोड़ी देर हो गई यार। क्यों, किसी बर्थडे पार्टी में गए थे क्या? नहीं यार, इसको पैकिंग कराने में थोड़ा देर होगी। इसका क्या है, वो ऊपर का कवर नहीं मिल रहा था। अच्छा ये है क्या? लेकिन ये सस्पेंस ही रहने दो, जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा इसको खोल के दूंगा। नहीं नहीं खत्म में नहीं, जल्दी से आप हमको दीजिएगा ये। ये बिल्कुल नहीं देंगे, ये हम इधर बोलो तो इधर ही रख देते हैं इस चीज को। और तुमको अगर सवाल पूछना है तो पूछो, 20 साल के बाद हम लोग मिले हैं। बस तो हम बहुत ढेर सारे सवाल पूछेंगे आपसे। जरूर। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आप एज एक्टर फिल्मों में पहले आए या एज संगीतकार? नहीं, एज संगीतकार तो जरूर आए, एज एक्टर तो नहीं आया। एक्टिंग में क्या हुआ, ये जो तुमने बताया उस टाइम में मैं और महमूद दोनों बहुत दोस्त थे, जिगरी दोस्त जिसको कहते हैं, और आज भी है। वो आजकल घोड़े के ऊपर बैठ के कुछ कर रहा है बेंगलोर में और हम यहाँ पे म्यूजिक डायरेक्शन दे रहे हैं। लेकिन उस वक्त की बात कर रहा हूँ। एक दिन क्या हुआ, एक दिन बड़ा मजे की किस्सा है। एक दिन मुझे उसने बुलाया, बोला कि अब हमारा शूटिंग चालू हुआ है भूत बंगले की, तुम आके देखो कैसा क्या होता है ना होता है। तो मैं गया वहाँ पे और बोला कि ये ड्रेस की जगह पे तुमको ये ड्रेस तुमको एक दिया जा रहा है, आप पहनिए, इट्स अ प्रेजेंट फॉर यू। तो हमने वो एक ड्रेस पहना, उसका स्ट्राइप शर्ट का एक वो ड्रेस था, वो पहना। तो पहन के हम उनके मेकअप रूम में गए, उन्होंने कहा चलो फर्स्ट क्लास, हमको एक कुर्ते मिल गए फर्स्ट क्लास। बैठे हुए थे हम लोग, गप से मार रहे थे, पीछे से उसका भाई जो है ना उस्मान, वो आके एक बाल्टी मेरे ऊपर डाल दिया पानी। ओहो, जैसे डाल दिया तो मैं गुस्सा हो गया। हमने कहा अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब आपको खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे बारिश हो रही है, कहाँ पे सेट में। अच्छा। वहाँ पे एक शॉट आपको देने पड़ेगा। अब मैं वो एक शॉट दिया, देने के बाद सब लोगों ने मिलकर तालियां बजाई। हमने क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अभी तो तुम फंस गए। उन्होंने कैसे, कंटिन्यूटी में आ गए, इतना पैसा लग गया, अब ये रोल तुम करने वाले। ऐसे ही मजाक करते थे हम लोग, ऐसा करते करते वो पिक्चर में हमने काम किया, बस दैट्स ऑल। एज म्यूजिक डायरेक्टर आपकी पहली फिल्म छोटे नवाब थी, लेकिन लाइमलाइट में तो आप तीसरी मंजिल से आए ना। एक दिन क्या हुआ, मिस्टर नासिर हुसैन जी का नाम है जी, उन्होंने मुझे खबर दी, कहने का आप आइए मुझे सुनाइए आपके पास कोई अगर स्टॉक वॉक हो तो। उस जमान बहुत हम लोग स्टॉक रखा करते थे और गाने वाने खूब, मतलब जैसा स्टॉक होता है उसके बारे में बाद में कहता हूँ। तो मैं गया, जाके उनको सुनाया, हमारे पास जो जो गाना था किसी के लिखे हुए नहीं थे, ऐसे ट्यून सुनाया, ऐसा कुछ किया, तो उनको बहुत पसंद आया। उसके बाद क्या हुआ कि उनके उस वक्त क्या था, उनके जो हीरो था वो देवानंद साहब थे। अच्छा जी। तीसरी मंजिल में पहले शमी कपूर नहीं थे? नहीं, तो देव साहब ने कुछ गड़बड़ हुआ, वो पिक्चर उन्होंने किया नहीं। उसके बाद पता लगा कि शमी कपूर हीरो हो गया। अब शमी कपूर हीरो हो गया तो शमी कपूर का तो पूरा किंग था ना वो आदमी, और उनके ग्रुप था, शंकर जी थे, जयकिशन जी थे, सब थे। तो मैं समझा कि मेरा तो पत्ता कट गया। तो इन शॉर्ट बोलता हूँ, एक मजेदार किस्सा बोलता हूँ। वो नासिर साहब ने कहा कि देखो भैया ये तुम्हारा एक टेस्ट है, तुम्हारा एक तुमको टेस्ट ही समझ लो, इम्तिहान, इम्तिहान जिसको कहते हैं। हमने कैसे ना, आपको जो जो गाना है वो आपको शमी कपूर को सुनाना पड़ेगा। तो शमी कपूर जी आए हमारे म्यूजिक सिटिंग में, अब वो तो एट दैट टाइम कमाल आदमी थे, एकदम डायनामिक आदमी थे। आए बोले ए पंजाम सुनाओ कुछ, इस उनका ये तेवर था। तो हमने पहली एक फोक ट्यून सुनाया, वो नेपाली गाना था, इतना सुना है। तो सेकंड लाइन से शमी कपूर गाना शुरू कर दिया। अरे वाह, कहा आधे वर्ष आगे चलिए आगे सुनाइए। अरे वाह, तो मैं तो छुट्टी हो गई, पहले ही गाना सुना रहा हूँ। उनको याद है कितना, मतलब आई मीन ही वाज वेरी वेल रेड, वेल मतलब नॉलेजेबल आदमी। तो मैं फिर दूसरा गाना सुनाया, फिर तीसरा गाना सुनाया, तो ऐसा करते करते जैसा सोना रे सोना गाना वो सुनाया, फिर आजा मैं भी प्यार तेरा सुनाया, वो हसीना जुल्फों वाले सुनाया। एंड वो चार पांच ट्यून सुनने के बाद उन्होंने कह दिया कि बस पंचम यू हैव प्लीज्ड मी, आज ये इस वक्त अभी इस पिक्चर का एक नया गाना बना था। क्या? तो फिर हमने नया गाना बनाया और उस दिन से नासिर साहब के साथ मेरा बहुत अच्छा हो गया। आज तक उनके जितनी पिक्चर है उन्होंने बनाई, हमने उनकी, यानी वो जब भी पिक्चर बनाते हैं आपको कहते हैं आ जा। करेक्ट। आजा जा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह
दादा, जब कोई प्रोड्यूसर आता है अपनी रिक्वायरमेंट बताता है तो ही आप धुने बनाते हैं, या खाली समय में अलग अलग मूड की अलग अलग तर्जें बना के रखते हैं और वक्त जरूरत अपने जखीरे में से निकाल के उसे दे देते हैं? अरे बाप रे, इतना उर्दू बोल रहे हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, इस बात से मुझे एक किस्सा याद आ गया जो आम पब्लिक को ये सब चीजें मालूम ही नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो हम लोग करते हैं क्या, अगर सीटिंग वगैरह नहीं है और रिकॉर्डिंग नहीं है तो हम लोग म्यूज़िक कंपोज करते हैं, मतलब गाना कंपोज करते हैं। सोच अपने जहन में हम लोग सोच लेते हैं कि ऐसा कोई सिचुएशन हो तो उस सिचुएशन में कैसा गाना होना चाहिए। अच्छा। जो पिछली पिक्चर के कोई मिसाल ले लेते हैं हम लोग, कोई गाने का मिसाल भी ले लेते हैं कि इस टाइप के गाना होना चाहिए। उसके लिए मुझे एक गड़बड़ है यार, ये बाजा वाजे का ज़रूरत है। तो बाजा तो होगा, मेरा असिस्टेंट है, उसको बुलाऊं? अरे बिल्कुल। अरे भरत, जरा बाजा और वो लेके आना। एक सेकंड, इधर इसको खोले आप। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं अभी नहीं, इसको इधर रखो। हाँ। इसको इधर रखो, बाजा लेके आओ। तबसुम, ये मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, जिगरी दोस्त और सब कुछ संभालता है। नमस्ते। भरत भैया। अरे वाह, भरत भैया है। ये आपके भी भैया है या मेरे ही है? नहीं, सबके भैया है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप कुछ बता रहे थे। हाँ, ये बता रहा था। हाँ, एक किस्सा याद है। तो एक दिन रोशन जी घर पे आए, पिताजी के घर पे, और पिताजी के साथ गुफ्तगू करते रहे, क्या संगीत बना रहे हैं, क्या हो रहा है ना हो रहा है, दोनों बहुत मगन थे। तो पिताजी ने बहुत तारीफ कर दी, भाई तुम्हारी ये पिक्चर देखी, ममता बहुत अच्छा गाना बनाया। ये तुमने कहा, दादा आपको शायद मालूम नहीं एक बात। हाँ। ये सीक्रेट कि हम कैसे गाने बनाते। देखो ये सीखने वाली बात है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आम पब्लिक को मालूम नहीं, वही मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने गाना किया था, रहे ना रहे हम महका करेंगे, ममता का गाना था। तो याद नहीं था, मैं लिख के लाया। तो उन्होंने क्या बताया, देखो एक उन्होंने कहा कि आपके एक पुराना गाना है उसमें से हमने मीटर ली। अच्छा। मीटर मतलब छंद, जो भी गाने का बोल और छंद होता है ना, वो मीटर कहते हैं। जैसा डा 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 डा, एक मीटर बना, जैसा समझ गया ना। हाँ। तो एक गाना उन्होंने गा के सुनाया, क्यों ने रोशन जी ने, ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुत है जवां उनको यहाँ कैसे बुलाए। बोले कि दादा आपका ये इतना प्यारा गाना था, इसको देखिए हमने बना लिया। बरमंदा का गाने पे रोशन जी ने बनाया। अच्छा। तो अभी उनका बोल अगर पिताजी के गाने में गाया जाए तो कैसा होगा? रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा। ऐसा अभी उनका ट्यून लो। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। ये उन्होंने कर दिया, अंतर उन्होंने चेंज कर दी। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, तो तुम ये सब क्या स्कूलिंग है। इससे मुझे भी ऐसा फील हुआ कि मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तब से हमने क्या किया, जैसा शंकर जी का कोई गाना, हिट गाना हो, एस डी बर्मन का हो, मदन जी का हो, ऐसा सलील चौधरी का हो, ये सब गाने के जो मीटर होता है ना, उसमें से हम लोग कुछ गाने बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा। जैसे मिसाल के तौर पे यही गाना, ठंडी हवाएं। हाँ, यही चल रहा है ना। देखो, ठंडी हवाएं का रोशन जी ने बना दिया, रहे ना रहे हम। हाँ। अब मैं दूसरा बोल से गाता हूँ, देखो। अच्छा। अब बोलो कौन सा गाना। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है, रहे ना रहे हम। देखा, अरे वाह वाह वाह, वो सागर किनारे का ट्यून देखो, वो ट्यून सेम छंद सेम है, सब कुछ वही है, लेकिन इस तरीके से हम लोग नए नए गाने बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो है ना, ये आम पब्लिक को मालूम नहीं। नहीं, लेकिन आज बहुत एंजॉय कर रही होगी हमारी। और ये मैं जनता से पूछ रहा हूँ कि आपको अगर कोई गाना ऐसा मिले वो हमको लिख के बताइएगा। अच्छा। कि कोई गाना पकड़ा जाए तो। बिल्कुल। अब मैं चाहती हूँ कि इसमें जो मेरा ध्यान अटका हुआ है। अरे यार, ये कुछ नहीं यार, एक छोटा सा मजाक है, अगर ले सकते कोई मेरे लिए है।
ये तुम दूरदर्शन सब इन लोगों के लिए है ये। तो दादा खोलिए ना, मैं बताइए तो सही। तुम ही खोल लो, बताओ क्या है। मेरा ख्याल है कि इसमें मिनी वायलिन होगा, मिनिएचर छोटा सा कोई साज। हाँ, साज है वो, मारने वाला साज है। ऐसा? हाँ, क्या है तुम जब बात करते हो ना, हाँ? जैसे मनोज कुमार ऐसा करके बैठ के बात कर रहे है। हाँ? और तुम फूल खिले गुलशन गुलशन कर रहे हो। हाँ? तो क्या होता है, एक मक्खी आके नाक में बैठता है, फिर ऐसा करने पड़ता है, वैसा करने पड़ता है। ये जो है ना, ये तुम्हारे वहाँ के लिए करेक्ट है, जैसा आएगा मारा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो मैं अपने घर ले जाऊँ, वो भी चलेगा। थैंक यू। अच्छा, अब अगला सवाल करें। जरूर दादा, हमारी फिल्म लाइन में ग्रुप बंदी बहुत है जी, तरह तरह के ग्रुप बन जाते हैं जी। आप बताएंगे हमें कि ग्रुप बंदी के क्या फायदे और क्या नुकसान हैं, और आप कभी किसी ग्रुप में शामिल हुए या नहीं? ग्रुप देखो, एक तो मैंने अभी पहले कहा कि नासिर साहब के साथ तब से मेरा एकदम जोड़ हो गया, एंड आज तक उनकी पिक्चर करते जा रहा हूँ। एक मुझे और एक फ़ख्र है, फ़ख्र से कहूँगा कि जैसा शंकर जयकिशन जी थे, उनके साथ जो राज कपूर का ट्यूनिंग था, काफ़ी लोगों के साथ उनका ट्यूनिंग था, उसी तरीके से मेरे साथ ट्यूनिंग भी एक आदमी के साथ हुआ। लेकिन ये मैं कहूँगा कि राज कपूर ने म्यूजिक डायरेक्टर चेंज करके भी दो तीन पिक्चरें किए, जैसे सलीलदा ने एक पिक्चर की थी जागते रहो, फिर बूट पॉलिश दत्ताराम ने किया था इस तरीके से। लेकिन एक प्रोड्यूसर अजीब प्रोड्यूसर है, जिसके पहली पिक्चर हमने की थी द ट्रेन। अच्छा, मेरे ख्याल से 65-67 की बात होगी शायद, 67-68। तब से लेके उन्होंने जितने पिक्चर बनाए, दर्जन के ऊपर हो गया पिक्चर, मैं उन्हीं के साथ हूँ। रमेश बहल दैट्स अ रिकॉर्ड। ये मेरे लाइफ का एक कमाल रिकॉर्ड है। तो दादा, आगे बढ़ने से पहले हम आपकी और उनकी एसोसिएशन का एक गाना दिखा दे। प्लीज दिखाओ भाई। अब हमें ये बताइए कि आप सिर्फ वेस्टर्न स्टाइल में ही वेटरन हैं, या शास्त्रीय संगीत की तरफ भी आपका रुझान और झुकाव रहा है? मैं बहुत कुछ क्लासिकल तो सिखा नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं राग झिंझोटी में मैं गाना बनाया और मालकोस में ये कोशिश की किबला, ये ऐसा तो हम कहते नहीं। लेकिन हमको जो दिमाग में आता है और जो सुनने में अच्छा लगता है वो हम बनाते रहते हैं। वो कभी कभी राग में भी आ जाता है, कभी राग भ्रष्ट भी हो जाता है। अच्छा, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन इस वक्त मुझे आपका एक बहुत खूबसूरत गीत याद आ रहा है। हाँ जी, अमर प्रेम का। अमर प्रेम का तो बहुत, वो भी और एक पिक्चर थी जिसमें हमने बहुत एंजॉय किया, सब लोगों ने मिलके मिलजुल के काम किया, उसमें पिताजी ने भी काम किया। अच्छा जी हाँ। वो क्या था, एक दिन हम लोग बैठे हुए थे तो पिताजी एक गाना गाया करते थे, बहुत पुराने गाना, वो उनका ही लिखा हुआ बंगाली बोल, मैं सुनाता हूँ। बैला बोए जा, अभी बोल बंगाली में, बैला बोए जा मतलब टाइम वक्त गुजरता जा, बेला बीती जाए, बीती जाए। बैला बोए जा और संगीत का तालमेल हमेशा आसानी से हो जाता है, या कभी कभी मामला अटक भी जाता है? अटक जाता है, बिल्कुल जाता है। एक आदमी के साथ तो बहुत अटकता है, उसका नाम है गुलजार। हम एक पिक्चर कर रहे थे आंधी में, जो उन्होंने गाने लिख के लाए वो कुछ लैंग्वेज या तो मुझे समझ में नहीं आया ना उसका मीटर समझ में आया, तो मैं बोला देखो भाई ये तो हम काम नहीं कर सकते इस तरीके से। फिर वो बोलने लगा यार तू थोड़ा ट्राई कर यार, कुछ होगा, ये करेंगे वो करेंगे। फिर करते करते हम एक दिन बैठ के मुझे थोड़ा समझ में आया कि अच्छा ऐसा उसका मीटर अलग होता है एकदम। अच्छा। किसी से मिलता ही नहीं। अच्छा। तो करते करते हट से मैं गा दिया गाना, ट्यून किया, उसके बाद उन्होंने फिर जब ट्यून किया मुखड़ा जब बन गया, मैं बोलेगा मुखड़ा तो बन गया, अभी अंतर तुमको ट्यून में लिखना पड़ेगा। हाँ। अब वो फंसता है। अच्छा। अब वो घर चले जाता है, सोचना शुरू करता है कि अब तो मुझे ट्यून में लिखने पड़ेगा। फिर फोन करते क्या है यार जो लिखा था, मैंने नहीं ये तुम्हारा ये समझ में नहीं आता है, अभी तुमको मीटर में करेक्ट मीटर में लिखने पड़ेगा। फिर वो ध्यान से वो करते रहते करते करते कुछ ना कुछ हो जाता है, तो उसका गुत्थी सुलझ भी जाती है। सुलझ जाती है बिल्कुल। जब आप आंधी का गाना देख लो, क्या खूबसूरत गाना था। तेरे बिना जिंदगी
हैं तो आप पंचम, लेकिन गाते हुए खरज का इस्तेमाल करते हैं, इसकी कोई खास वजह? एक्चुअली मैं प्रोफेशनल सिंगर तो हूँ नहीं, लेकिन मैं जब भी गाता हूँ कुछ ना कुछ एक स्टाइल बनाने की ट्राई करता हूँ, कुछ एक अलग तरीके की आवाज़ निकले, जैसा महबूबा महबूबा मैं हुआ जैसा गाया हमने, फिर हमने अपना देश में गाना गाया था वो गर्गलिंग वॉइस में गाया था, फिर ट्रेन में भी गाना गाया था, लास्ट मुझे याद है कि गाना जो किया था रफ़ी साहब के साथ में गाया था वो यम्मा यम्मा जो गाना किया था वो जिस दिन रिकॉर्डिंग हो रहा था उस दिन मेरा वॉइस ठीक नहीं था, मतलब गला ख़राब था। अच्छा। तो रफ़ी साहब ने कहा कि कोई बात नहीं आज शूटिंग के लिए गा दो, अब बाद में हम डब करेंगे, कोई चिंता मत करो। तो शूटिंग के लिए गा दिया, तो शूटिंग हो गया, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के ऊपर पिक्चराइज हो गया, हमने देख भी लिया। जब रिकॉर्ड रिलीज़ का टाइम आया, बोले कि रफ़ी साहब को कहा कि वो रिकॉर्ड रिलीज़ हो जाएगा, मैं बेसुरा गाया हूँ तो प्लीज़ ये कहा, हाँ ज़रूर एक डेट फिक्स करते। लेकिन कमाल हो गया, इट्स अ सच ए सैड थिंग कि वो गा नहीं पाए, वो इस दुनिया में नहीं रहा, उसके बाद वो गुजर गए, तो वो वैसे के वैसे गाना रह गया। गाने कैसे बनते हैं ये तो मालूम हो गया, अब जरा बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। चलो अभी बैकग्राउंड म्यूजिक में लेके चलते हैं, अभी हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, शक्ति सामंत से मिलाता हूँ आपको, डायरेक्टर साहब किस तरीके से बोलते हैं, क्या कितना पीस हुआ है, जल्दी करो टाइम जा रहा है, तो एक गार्जियन जैसा खड़े रहते हैं हमारे ऊपर। अच्छा। वो देखिए, ठीक है मनोरी बाबलू जरा आना, क्या है शक्ति का क्या बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि ये ढोलक जो है ना पहले से आ गया, वो थोड़ा लेट आना चाहिए, जहाँ मिठुन का शॉट आता है ना वहाँ से आना चाहिए। अच्छा। तो मैं और शक्ति अंदर चलते हैं, आप लोग टेक कर सकते हैं? हाँ। टेक कीजिए। ठीक, चलिए। वैसे तो हर औलाद अपने माँ बाप को बहुत प्यारी होती है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अपने पिताजी की नज़रों में एज संगीतकार क्या थे? पिताजी हर सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे, तुमको शायद याद होगा। बिल्कुल। तो मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे, और मॉर्निंग वॉक करने के बाद वापस आके हमारा एक छोटा सा बंगला था, वहाँ पे आके बैठते थे और चाय पीते थे, और मुझे डांटते थे, यार क्या यार मोटा हो रहा है, चलते नहीं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, कुछ नहीं, ये नहीं। तो मतलब ठीक है पिताजी, जो भी आप कहते रहते हैं ठीक है। मतलब एक दिन वो आए वापस, आने के बाद उन्होंने कहा कि पंचम आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मैं सोचने लगा कि मुझे आज तक उन्होंने कभी भी तारीफ नहीं की, अचानक तारीफ कर रहे हैं कुछ, क्या उन्होंने क्या क्या कहा आपने? हमने नहीं, मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, तुम अच्छा कर रहे हो। अच्छा। हमने क्या कर रहे हैं? हमने देखो भैया एक कमाल किस्सा हुआ है, हर रोज मैं सुबह जाता हूँ वो एक जुहू में चलने के लिए, वहाँ पे कुछ लोग भी टहलते रहते हैं, कुछ बच्चे भी टहलते रहते हैं, कुछ लड़कियाँ टहलती रहती है, एंड कुछ लोग मुझे कहते रहते हैं कि देखो एस डी बर्मन जा रहा है, तो मैं मन में सोचता था मेरा फैन है ये है। लेकिन आज कमाल हो गया, हमने क्या, हमने आज बोलने लगा ये देखो आर डी बर्मन का बाप जा रहा है। तो ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी, वो मोमेंट मेरे लाइफ का एक कमाल का मोमेंट है। और अब मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूं, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया।